तेज हरियाणा के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। बीजेपी नेता श्री बाबा तारा जी कुटिया के मुख्य सेवक गोविंद कांडा ने सभी को दीपावली पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस दिन हम प्रेम सहानुभूति और मेलजोल का दीपक प्रज्वलित करते हुए सभी के खासकर जरूरतमंदों के जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करना चाहिए। वीरानी रोड स्थित MDLR कार्यालय में जिले भर से आए लोगों को संबोधित कर रहे थे। गोविंद कांडा को दीपावली की बधाई और शुभकामनाएं देने वाले बड़ी संख्या में आए और समर्थकों ने इलाहाबाद में मिले अपार सहयोग के लिए उनके कार्यों की सराहना की। गोविंद कांडा ने कहा है कि रोशनी का ये उत्सव हम सभी के जीवन में नया प्रकाश लेकर आए। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव सभी के जीवन में नई रोशनी, समृद्धि और सौभाग्य लाए। इलाहाबाद उपचुनाव के नतीजे को लेकर उन्होंने कहा कि उनके लिए हार भी किसी जीत से कम नहीं है। सही मायने में देखा जाए तो उनकी जीत है। यह मुकाबला सभी को सदा याद रहेगा। उन्होंने मान सम्मान, सहयोग, समर्थन देने वाले सभी लोगों को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हार जीत का रास्ता प्रशस्त करती है। गोविंद कांडा ने सभी का सहयोग और समर्थन के लिए दिल से आभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि गोविंद कांडा जो कि उपचुनाव में पहली बार इलाहाबाद से इस बार बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी के तौर पर चुनाव उन्होंने लड़ा और जहां पर अपनी हार के बाद उन्होंने बड़ा बयान दिया है। इलाहाबाद हलके में हारकर भी उन्हें जीत मिली है। इलाहाबाद हलके में जनता ने चुनाव में खूब वोट देकर प्यार किया है। क्या कुछ वो मीडिया के साथ बातचीत में कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। इलाहाबाद हलके की जनता ने जो मुझे मान सम्मान प्यार दिया है मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और जिन्होंने मुझे 20 दिनों के अंदर जहाँ तक पहुँचाया मैं सोच भी नहीं सकता था। उनके लिए मेरा तन मन धन 24 घंटे आज ही रहेगा। हम गांव में वैसे ही जाएंगे, गांव में हर वर्कर से मिलेंगे, सुख दुख में शामिल होंगे और जिनसे हमने जो वायदे किए हैं या हमारे भाजपा परिवार ने या जेजेपी परिवार ने या हलोपा परिवार ने जो भी जिनसे भी जो गाँव में या जहाँ भी जाकर बैठकर चर्चा की है, जो वायदे किए हैं उन सभी वायदों को पूरा किया जाएगा। सबके साथ रहेंगे, सबके साथ मिलते जुलते रहेंगे और जैसे विकास इलाहाबाद का करवाना है हमारे मुख्यमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद दिया है कि हम उनका विकास नहीं रोकेंगे, हम सबका विकास करेंगे और हम उस इलाके का पूरा विकास करके चलेंगे। कोई टाइम नहीं है, कोई खास टाइम नहीं है, 3 साल निकल जाएंगे। ये चुनाव हम हारे नहीं है, बड़े भारी वोटों से जीते हैं और नई विश्वास तो जीतने वाले से आप जाके पूछ लेना कि आप जीते हैं क्या इलेक्शन। तो ये इलेक्शन मुझे इलाहाबाद की जनता ने जिताया है, मैं हारा नहीं हूँ और मैं जनता के साथ हूँ, जनता मेरे साथ है। मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सबसे पहले तो दीपावली की, अन्नकूट की और भैया दूज की मेरे प्रदेशवासियों को, मेरे सिरसा वासियों को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से, भाजपा परिवार की तरफ से, जेजेपी परिवार की तरफ से, हलोपा परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना करता हूँ कि मेरा हरियाणा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करे। आप सभी को फिर मैं दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ।